हेलो दोस्तों, गर्भावस्था का छठा महीना यानी कि 22 से 26 सप्ताह के बीच प्रेग्नेंट महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं, शिशु के कौन कौन से अंग बन जाते हैं, गर्भ में शिशु कैसा महसूस करता है और प्रेग्नेंट महिला को क्या करना चाहिए, वो सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रेग्नेंसी का छठा महीना बहुत खास होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ शारीरिक परेशानियां पांचवे महीने तक खत्म हो जाती है और छठा महीना यानी कि तीसरी तिमाही शुरू हो जाता है। इस समय आपके शिशु की हलचल शुरू हो जाती है, तो ये एहसास एक बहुत खूबसूरत होता है, यादगार होता है। प्रेग्नेंट महिला को छठे महीने में पीठ दर्द की समस्या होने लगती है, घुटने में दर्द की समस्या होती है, पैरों में दर्द बना रहता है, एड़ियों में दर्द की शिकायत रहती है दोस्तों। शिशु को अंधेरे और उजाले का पता चलने लगता है। गर्भ के बाहर अगर कोई तेज आवाज हुआ तो शिशु गर्भ के भीतर रिएक्ट करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि आवाज हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ गिरा है, ये महसूस करने लगता है। प्रेग्नेंट महिला के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। नाभि के ऊपर और नीचे ब्लैक लाइन भी कई महिलाओं को इस समय बनने लगती है। 24वें सप्ताह में शिशु के फेफड़े धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। शिशु यहाँ हिचकियां लेना शुरू कर जाता है। यहाँ पर बेबी का आकार एक नारियल के गोले के बराबर होता है। इस समय महिला की नाभि भी बाहर की तरफ निकलने लगती है। 25वां सप्ताह आते आते शिशु बाहरी वातावरण में सांस लेने के लिए तैयार होने लगता है। शिशु यहाँ पर माँ की बातों को समझने की कोशिश करने लगता है दोस्तों। आप जैसा रिएक्ट करते हैं शिशु समझने लगता है, शिशु जानने की कोशिश करने लगता है। अगर आपका मूड खराब होता है तो शिशु भी अच्छा फील नहीं करता। जब आप खुश होती हैं, जब आप हंसती हैं, तो आपका शिशु खुश होता है। इस समय कई महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है, कब्ज की समस्या। 26वें सप्ताह में दूसरी तिमाही खत्म हो जाती है, तीसरी तिमाही लगती है। 26वें सप्ताह में शिशु पहली बार अपनी आंखें खोलता है। कितनी अद्भुत चीजें गर्भ के अंदर होती है दोस्तों। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एहसास दिला सकूं कि आपका शिशु छठे महीने में कैसा हो जाता है। आपके शिशु को कई चीजों का पता चलने लगता है कि उसकी माँ क्या करती है और आपको पता नहीं चले, तो ये तो गलत बात है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। 26वें सप्ताह में शिशु सांस कैसे लेगा उसकी भी प्रैक्टिस करने लगता है, यानी कि तैयारी दोनों तरफ चलती है। एक तरफ चलती है बाहर लाने की, तो दूसरी तरफ चलती है कि बाहर जाएंगे तो क्या क्या मजबूत करके जाएं। इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ। तो छठे महीने में शिशु में कई सारे ऐसे बदलाव होते हैं जिसे वो बाहरी वातावरण में खुलकर सांस ले सके। शुरुआत हो जाती है परिपक्व होने, चाहे मांसपेशियां हो या शरीर के अंग हो, और महिला का भी पेट बड़ा होने लगता है, परेशानियां बढ़ जाती है। इस समय आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, डॉक्टर से मिलते रहना है, भारी सामान नहीं उठाना है, पेट के बल नहीं सोना है, ज्यादा तेज नहीं चलना है, सीढ़ियां जल्दी जल्दी नहीं उतरनी चढ़नी है। आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने लिए भी, अपने घर में पल रहे शिशु के लिए। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।